अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक भाई मेरे को कमेंट किया, भाई सऊदी अरब का अभी हालात कैसा और हलचल कैसा काम का। तो देखो, जो भाई कमेंट किया वो भाई बांग्लादेश का था, इसका इंडिया का बिहार का भी है। तो देखो, हालचाल सऊदी अरब का काम का हालचाल, सऊदी अरब का काम का हालचाल अगर बोलेगा तो जो भाई फ्री वीसा में आ रहा हो, आज़ाद वीसा, फ्री वीसा, अमेल आई डी, फ्री वीसा में आके इधर काम करना चाहते हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प होगा। मेरा एक्सपीरियंस और जो भाई इधर काम कर रहा हूँ उसके साथ मैं बातचीत करता हूँ, बैठता हूँ, चाय पीता हूँ होटल में, जो भाई काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम, लेबर का, बलोदियार जो कौन सा पाइप लाइन का, आर की पूरा, आर की मैंने फ्री वीसा में आओगे तो आपको ए टू जेड काम करना पड़ेगा। अगर डाइविंग का भी है, बहुत सारा भाई फ्री वीसा में आके कंपनी में तनाजुल ले रहा है, ट्रांसफ़र ले रहा है, ऐसा भी है बहुत सारा भाई में। चार पांच भाई फ्री वीसा में आके काम भी मिल गया है उसका, अलहमदिल्ला 3 महीना 4 महीना बाद काम मिला। तो देखो, सऊदी अरबिया सिचुएशन उतना अच्छा नहीं जितना कोरोना का पहले था, उतना अच्छा नहीं कि काम वगैरह फ्री वीसा में जाके 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना बाद मिल जाएगा। ऐसा सोच के आओगे तो आप भाई मुश्किल में पड़ जाओगे। कि मेरा एक दोस्त आया और 4 महीना हो गया और उसका बड़ा भाई था, इसलिए वो बच गया। भाई खाने का पैसा नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, 4 महीना हो गया, 3 महीना का उसका तो फ्री था। एक आमा भी रेन्यू करना पड़ेगा, एक आमा का पैसा डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगा। तो कोई भाई अगर फ्री वीसा में आओगे तो सोच समझ के आओ। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, भाई है, बाबा है, तो आओ, क्योंकि इधर आके आपका एक आमा का पैसा डालना पड़ेगा, प्लस अगर ड्राइविंग का काम में आओगे तो आपको गाड़ी लेना पड़ेगा फ्री वीसा में काम करने के लिए। और तानाजुल वगैरह भाई बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल भाई। अभी 4 महीने से मेरा एक दोस्त, उसका भाई, मैं पूरा कंपनी में जा जा के सीवी से दे रहा हूँ, इंटरव्यू तो नहीं दे रहा हूँ, सीवी दे रहा हूँ, बातचीत करता हूँ। बोला भाई अभी तो वैकेंसी नहीं है, अगर वैकेंसी है तो मैं आप लोगों को बताएगा, ऐसे बोल दे। 4 महीने तक अभी देखो रेनू करना पड़ेगा, 3 महीने का रेनू फिर कर दिया मेरा ख्याल से, वो 3 महीने का रेनू किया, एक अम्मा पैसा डाल दिया, उसका खुद का भाई का पैसा लेके एक अम्मा में पैसा डाला। तो ऐसे हालात और उतना अच्छा नहीं। अगर आओगे सोच समझ के आओ फ्री वीसा में, जो भाई आ रहा हो, और जो भाई कंपनी में आ रहा हो, देखो कंपनी में अगर आओगे तो पूरा सप्लाई कंपनी इधर, और बहुत सारा कंपनी भी है, अच्छा कंपनी लेकिन सैलरी कम। जैसा मैं बात किया आफ्रास आले दृश्य पेट्रोल पम्प में, तो पिछले वीडियो में दिया आप लोगों को, अल्फनार का जो बिल्डिंग होता है, क्या बोलते हैं उसको, होटल अल्फनार बिल्डिंग, मतलब बड़ा बड़ा मुदिर रहता है उधर, सिक्योरिटी गार्ड अल्फनार, लुलू मार्केट, मार्केट का काम मिले नहीं मिलेगा आपको, ट्रॉली बॉय नहीं मिलेगा, और नेस्मा कंपनी बहुत अच्छा कंपनी माशाल्लाह। ऐसा काम में आओ कंपनी में, सैलरी वगैरह आपको 1200 रियाल 1000 रियाल मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा बस। और अगर आपका नसीब अच्छा हो जाएगा तो ओवर टाइम मिल जाता है, नसीब अच्छा है तो आप अगर इधर उधर करके 200-300 कमा लोगे, 200-300 कमा लोगे कि खाना पीना आ जाता है और सैलरी बच जाता है, यही एक आपका नसीब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसा भाई भी है जो 1000 रियल सैलरी में काम कर रहा है, प्लस खाना पीना उस सैलरी में खा रहा है, तो क्या बचेगा, 700-800 बचेगा, 700-800 सेंड करोगे तो कितना मिलेगा सोचो। अगर कोई भाई इंडिया बांग्लादेश में अगर कोई काम कर रहा हो तो काम कर रहा हो तो काम करो भाई, उधर ही काम करो, और बेकार हो, काम धाम नहीं है, इधर उधर घूम रहा हो, बेकार बंदा, तो आओ और अच्छा कंपनी में आओ और कोई काम सीख के आओ। फर्स्ट मेनली काम आपका ड्राइविंग, ड्राइविंग इधर मालूम है तो फ्री वीसा में आओ,
मिल जाएगा 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना बाद। और प्लस पॉइंट आपका रिश्तेदार होना चाहिए इधर, अगर कोई रिश्तेदार हो तो उस कंपनी में पुराना बंदा हो जाएगा, बाद में उसको रिक्वेस्ट करके बाद दूसरा कंपनी के पता करा के वो डाल देगा कि कोई कंपनी में अगर वैकेंसी है तो पता करके वो कंपनी में काम में लगा देता है, कोई रिश्तेदार हो। और दोस्त वगैरह तो आपका 1 महीना 2 महीने का खाना देगा, लेकिन उतना आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ऐसा ही था, कोई काम सीख के आओ, डाइविंग का काम, प्लास्टरिंग, ऐसा ही काम आओ, मुश्किल नहीं, लेकिन सोच समझ के आओ भाई, इतना काम नहीं सऊदी अरब में, बहुत मुश्किल अभी। तो भाई को मैं 3-4 कंपनी उसके साथ भी मैं गया और भाई के साथ बात किया, तो हर कंपनी में एक ही बात बोल रहा है कि अभी वैकेंसी नहीं है, 2-3 महीना अभी जो नया भाई अभी जो भाई काम कर रहा है कंपनी में वो पूरा बंदा को निकल रहा है, ऐसे बात कर रहे हैं, झूठा बात कर रहा है, अगर नहीं लेगा ना कंपनी में काम नहीं है। मेनली काम बहुत कम हो गया भाई सऊदी अरबिया में, बहुत काम कम हो गया, उतना काम का कोई पेशा ही नहीं है, बहुत काम कम है तो बंदा को लेके क्या कर रहा है, बहुत सारा सप्लाई कंपनी है बंदा को लेके आके 3 महीना बाद भी भेज दे रहा है, रिटर्न भेज दे रहा है। तो सोच समझ के आओ भाई, ऐसा कंपनी भी है 3-4 महीना बाद आपको रिटर्न भेजेगा, 3-4 महीना बाद रिटर्न मिल जाएगा आपको, फिर जाओगे बांग्लादेश इंडिया, रिटर्न काम ही नहीं है इधर, अगर नसीब अच्छा हो तो।